अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, आप तमाम को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आप तमाम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके सामने 5 साल का एक नन्ना बच्चा शेख मोइज़ यौम आज़ादी पर एक तकरीर पेश करने जा रहा है। उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे और इस बच्चे की हिम्मत अफजाई करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप तमाम को एक बार फिर से यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आज़ादी के मौके पर एक छोटी सी तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप बहुत सुने। ऐ वतन हम तुझ से मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तुझ से मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। आज़ादी एक बड़ी नेमत है। आज़ादी से पहले हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था। गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना और सरदार पटेल और हमारे मुल्क के बहुत से लीडरों की मेहनत की वजह से हमारा मुल्क आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को जश्नों में आज़ादी मनाते हैं। आज तमाम सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। वतनी गीत गाए जाती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी है उसे याद किया जाता है। ये दिन हमें आपसी भाईचारा और मेलजोल का संकेत देता है। वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता है। हमारे मुल्क में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। जय हिंद। खुदा हाफिज़।